प्यारे देशवासियों, सत श्री अकाल, नमस्कार। जैसा कि आप सबको मालूम है कि घटनाक्रम पूरे मीडिया के ऊपर घूम रहा है कि कंगना रनौत को थप्पड़ मारा गया है। आपने कहीं वो वीडियो नहीं देखी, कोई फुटेज नहीं देखे, कोई तथ्य नहीं अभी तक सामने आए हैं। किसान मजदूर मोर्चे की तरफ से बीके शहीद भगत सिंह, तेजवीर सिंह में हम ये अपील करते हैं सरकार से कि पहले तो सभी तथ्यों के ऊपर जांच की जाए और वो वीडियो सामने ली जाए कि उस वीडियो के अंदर हुआ क्या था। क्योंकि जैसा कंगना रनौत का आज तक का जो स्वभाव रहा है उसमें आपने देखा होगा, आपको याद कराना चाहता हूं कि शेखर सुमन जिनके बेटे के ऊपर इन्होंने झूठे आरोप लगाए थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया था। ऋतिक रोशन के ऊपर इन्होंने आरोप लगाए थे, साइन ऊर्जा के ऊपर इन्होंने झूठे आरोप लगाए थे, और जो शब्दावली इन्होंने पिछले आंदोलन के दौरान, अब के दौरान जो चुनाव के अंदर जो जिसका प्रयोग किया गया है वह कहीं पर भी माफी के लायक नहीं है। लेकिन आपको एक बात और याद रखनी है कि जहां आप लोग सब लोग थप्पड़ मारने की घटना को इतना बड़ा मान रहे हो, इतना बड़ा जैसे प्रस्तुत किया जा रहा है, एक प्रोपोगंडा चला रहा है, तो आपको याद रखना होगा कि हजारों गैसों के गोले किसानों के ऊपर चलाए गए। शहीद शुभकर्ण सिंह को पुलिस की गोली से वहां पर उनकी हत्या कर दी जाती है खनौरी बॉर्डर के ऊपर। अब भी आंदोलन चल रहा है लगातार, पिछली 13 फरवरी से शंभू मोर्चे के ऊपर गर्मी के अंदर, सर्दी के अंदर किसान बैठे हैं। आप उनकी दशा देखिए, सैकड़ों किसान घायल हुए, 10 से ऊपर लड़कों की आंख चली गई। हम चाहते हैं कि सभी तथ्य सामने आने चाहिए और पूरा किसान, पूरे देश का किसान अपनी बेटी के साथ, अपनी बहन के साथ, कुलविंदर सिंह के परिवार के साथ डटकर खड़ा है। वो कहीं भागी नहीं, वो कहीं दौड़ी नहीं। उन्होंने सामने मीडिया के आकर बोला कि इन्होंने बदतमीजी की थी। उससे पहले ये तथ्य सामने आए क्योंकि इनका स्वभाव रहा है ये हर समय गलत अनाप शनाप शब्दावली का प्रयोग करती हैं, और हम चाहते हैं कि इसका डोपिंग टेस्ट किया जाए पूरी तरह से, क्योंकि इसकी जो हरकतें आज तक रही हैं इनके ऊपर ड्रग्स